Hello and welcome to SR Public School Online Study. Good morning dear students, kaise hain? How are you today? As we know that I am Dhirendra, your computer teacher. So dear students, this video for class 7 and 8. And today topic is computer network. So let's start computer network. Computer network. First of all, define the computer network. सबसे पहले देखेंगे कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे. कहता है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स लिंक टू ईच अदर दैट इनेबल्स टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर एंड शेयर देयर रिसोर्सेज डेटा एंड एप्लीकेशन. मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटर का समूह है, कंप्यूटर का समूह है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक है. दैट इनेबल टू कम्युनिकेट मीन्स वह एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. एंड शेयर देयर रिसोर्सेस डाटा एंड एप्लीकेशन मीन्स वह एक दूसरे को शेयर करता है डाटा और एप्लीकेशंस, रिसोर्सेज, संसाधन. अब देखिए कहता है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ फोर टाइप्स. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ फोर टाइप्स. ये कितने तरह के होते हैं? चार तरह के. बेसिकली जनरली टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. फर्स्ट में है लैन, सेकेंड है मैन एंड थर्ड है वैन एंड लास्ट वन इज पैन. फर्स्ट है हमारा लैन. लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. मैन, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. एंड पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क. मीन्स हमारा जो कंप्यूटर है, नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, उसको मेनली कितने भाग में? चार भाग में क्या कर दिया गया है? उसका टाइप्स है. अब इस चार भाग को हम लोग अलग अलग देखेंगे कि चारों भाग में आखिर है क्या, और लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है और पैन क्या होता है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. स्टार्ट करते हैं लैन से. तो फर्स्ट है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क को देखते हैं इसमें क्या होता है. लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर. एक दूसरे से यह एक छोटा सा नेटवर्क है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. इन अ स्मॉल एरिया, एक छोटा एरिया, सच एज बिल्डिंग, ऑफिस, ईटीसी. एक छोटा सा एरिया है, एक छोटा सा बिल्डिंग या ऑफिस में वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. क्या? कंप्यूटर. ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो हमारा एक स्मॉल नेटवर्क है. एक स्मॉल नेटवर्क मींस एक बिल्डिंग है, इसके दो फ्लोर या तीन फ्लोर है, इसमें जगह जगह पे कंप्यूटर लगे हुए हैं. अब इसमें क्या है, इसमें जगह जगह पे जो कंप्यूटर है एक दूसरे से कनेक्टेड करने के लिए हमें किसी न किसी नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा. तो वो हमारा आएगा किसके अंतर्गत? लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत. आगे बढ़ते हैं. लैन इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल, ईटीसी. वही बात है, ये कह रहा है कि लैन का यूज हमारा बेसिकली दो या दो से अत्यधिक पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, और वो भी उसका जो एरिया होगा वो छोटा होगा. जैसे एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, स्कूल, एक छोटा सा बिल्डिंग है जिसमें 10, 15, 20, 25, 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं अलग अलग फ्लोर पे, अलग अलग जगह पे. तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें लैन, लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज कहता है कि इट इज अ लेस कॉस्टली एज इट इज बिल्ड विद एक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज अ हब, नेटवर्क एडाप्टर, इथरनेट केबल, स्विच, राउटर, ईटीसी. यानी कि इसका कॉस्टली तो लो होता ही है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव कब हो जाता है? जब इसका हार्डवेयर कंपोनेंट्स हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं. जैसे कि हमारा
हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, एडप्टर हो गया, इथरनेट केबल हो गया, ये सब जब हम खरीदते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली हमारा एक छोटा सा बिल्डिंग, छोटा या बड़ा जो भी है, एक बिल्डिंग, एक कैंपस, छोटा सा एक छोटा सा ऑफिस या फिर घर हो या फिर हमारा छोटा सा स्कूल हो, उसके लिए हमें लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए नीचे दिया गया डायग्राम है लोकल एरिया नेटवर्क लैन का, क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंज विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन विद इन अ रेंज ऑफ 10 to 20 मीटर्स। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो लैन से भी छोटा नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारा था वो क्या था, एक बिल्डिंग के अंदर जितना भी सिस्टम लगा हुआ है, किसी भी फ्लोर पे, किसी भी कमरे में, एक ऑफिस के अंदर 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो उसका रेंज हमारा पैन से अत्यधिक था, पर्सनल एरिया नेटवर्क से अत्यधिक था। बट इसका जो रेंज है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो रेंज है वो कितना है, 10 to 20 मीटर्स ओनली। ये इंडिविजुअल सिंगल पर्सन, इंडिविजुअली सिंगल पर्सन एरिया नेटवर्क है। ये कहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंज विद इन एंड इंडिविजुअल पर्सन विद इन अ रेंज 10 to 20 मीटर्स। केबल और केबल 10 से 20 मीटर ही इसका रेंज है, यानी कि एक छोटा सा कमरा के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। और छोटा कमरा में यूज होने वाला जो नेटवर्क है, जो इसका रेंज 10 से 20 मीटर है, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। कहता है कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डिवाइसेस है, लाइक नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है, मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप, वायरलेस कीबोर्ड या वायरलेस माउस, प्रिंटर, मोबाइल फोन, मल्टीमीडिया फोन या फिर हमारा हेडफोन, तो ये सब अगर किसी एक से कनेक्टेड है, एक से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये भी हमारा एक छोटा सा नेटवर्क ही है। नेटवर्क के थ्रू ही, वायरलेस के थ्रू हो या फिर वायर के थ्रू हो, ये भी हमारा आता है किसके अंदर, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में हम आते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ होमवर्क दिया गया है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट था वो था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। ओवरव्यू देते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन एंड मैन, लैन, वैन एंड वैन पैन, चार तरह का है हमारा। कौन कौन? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अभी हम लोग देखें लोकल एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में हमारा क्या था, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस या एक स्कूल, एक छोटा सा कैंपस में, एक बिल्डिंग में हमारा जो नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। बट हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा एक कमरा में ही, जिसका रेंज 10 to 20 मीटर ही होता है। अब इस दोनों पे आधारित हम कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको नोट डाउन कीजिए। लैन स्टैंड्स फॉर, लैन स्टैंड्स फॉर डैश, लैन इज यूज फॉर डैश टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग, ऑफिस, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क्स इज नेटवर्क अरेंज विद इन एंड डैश। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसका एक डायग्राम आपको बनाना है। ऑल्सो राइट इट्स टाइप, और इसका टाइप्स आपको बताना है, क्या क्या टाइप्स है। एक्सप्लेन टाइप्स को नहीं करना है, आपको सिर्फ बताना है कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसका डायग्राम बनाइए एंड टाइप्स कितने हैं वो आपको लिखना है। सेकेंड है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लैन एंड पैन, लोकल एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, उसको आपको डिफाइन करना है, दोनों में अंतर बताना है।
एंड थर्ड नंबर व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है एंड ऑल्सो राइट इट्स यूजेज एंड इसका यूज आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक्सप्लेन विथ डायग्राम. आप पर्सनल एरिया नेटवर्क्स क्या होता है और इसका एक्सप्लेन कीजिए और साथ ही साथ आपको डायग्राम बनाना है. सो ओके.